गुड इवनिंग, शुभ संध्या का। तो आज मैं आपके साथ प्लानिंग एंड एक्शन प्लानिंग इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, जो सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग होते हैं, ओके, और एक्शन प्लान क्या होते हैं इसके बारे में आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही आपको यहाँ पे मतलब काफ़ी आपको बेनिफिट होगा इस विषय का, प्लानिंग करने में और एक्शन प्लानिंग में क्या फ़र्क होता है ये आप यहाँ पे जान सकते हैं। ओके, एंड फटाफट आइए, आप आपके साथ में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे 1 मिनट लेट हो चुका है मुझे, मेरा जो वॉइस है आप तक क्लियर एंड आई एम ऑडिबल है तो प्लीज़ वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा जो वॉइस है आप तक क्लियर आ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मश नहीं है बैकग्राउंड में, क्लियरली आपका आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट्स कीजिए मेरा आवाज़ क्लियर है, साउंड क्लियर है। तो काफ़ी मतलब इसके बारे में, यस थैंक यू सो मच। तो काफ़ी इसके बारे में आपके साथ बोलना चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन इसका जो प्लानिंग है अभी टाइम इसका आ चुका है, तो मैं आपके साथ एक्शन प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग और एक्शन प्लानिंग इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बिकॉज ये दो वर्ड्स ऐसे हैं तो अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में बहुत कुछ बदल कर देते हैं। जो भी हम मतलब हमारे मन में जो लक्ष्य ठान लिया है या कुछ हासिल करने की हमने कुछ योजना किया है, प्लानिंग किया है, तो वहाँ तक कैसा पहुँचना है, खुद को एक्टिव कैसा रखना है, खुद को प्रोएक्टिव कैसा रखना है, कौन सा भी आप लक्ष्य आपने डिज़ाइन किया हुआ है उस तक हमको कैसा पहुँचना है, वो कौन से मतलब जो रूल्स है हम खुद में प्रूव करके हम आगे जा सकते हैं, इसके बारे में हम मतलब वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप मतलब बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ, और आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं आशा करता हूँ, जो भी लोग नहीं आए हैं फटाफट आइए, आपको भी बहुत ही बेनिफिट होगा। ओके, मैं फर्स्ट आपके साथ मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं 4 साल से वेलनेस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ। ओके, एक वेलनेस कोच करके काम कर रहा हूँ, जो कि लोगों को फिटनेस गोल, उनका हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, उनका वेट लॉस गोल अचीव, ओके, इन सभी चीज़ों में उनको हेल्प करता हूँ। ओके, ऑनलाइन जो गाइडिंग करता हूँ, ऑनलाइन आपको सर्विस देता हूँ। तो हमारे सभी जो बहुत सारे जो वेलनेस कोचेस हैं अलग अलग सिटी में, वो भी इस तरह से ही काम चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को फिट करने के लिए मिशन चला रहे हैं। ओके, ये सब करने में उनका एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग के साथ एक्शन प्लान भी उनका रेडी है, जो कि लोगों को अच्छा अच्छा सर्विस दे जाए। ओके, उनको एक अच्छा बेहतर वहाँ पे रिज़ल्ट मिले, तो इसके बारे में सभी प्लानिंग वहाँ पे रेडी रहता है, और अच्छा खासा वहाँ पे लोगों को सर्विस दे पाते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके बारे में मैं आपके साथ मैं यहाँ पे अनुभव शेयर करूँगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ एक्शन प्लान के बारे में, जो कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मैं जितना भी अनुभव लिया हूँ, जितना भी मैं पढ़ चुका हूँ आज तक, जो भी एक्शन प्लानिंग के बारे में मेरे मेंटर्स, मेरे स्पॉन्सर जो भी आज तक बताया है, जहाँ जहाँ पे मैं इवेंट्स में गया हूँ वहाँ पे एक्शन प्लान के बारे में मैंने मतलब एजुकेशन लिया है, अनुभव लिया है, मेरे बुक्स में लिखे हुए हैं, ये सभी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जो भी मुझे एक्शन और प्लानिंग के बारे में पता है, जहाँ तक मेरे अनुभव तक, मेरे नॉलेज तक, आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच, सभी लोग आए हैं ऐसा मैं आशा करता हूँ, और मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो लाइफ को कुछ गारंटी के साथ हासिल करना है तो एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं बताता हूँ, एक प्लानिंग रहता है, प्लानिंग मतलब क्या है, जो सिर्फ प्लान रहता है मन में, हम सिर्फ ऐसा मतलब विश जता देते हैं, तो उसको जो भी लिख कर रखते हैं, यह हासिल करना है, वो हासिल करना है, तो ये सिर्फ प्लानिंग हो गया, तो उसके वहाँ पे हम ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सब जो एग्ज़ाम्पल, तो आपके मेंटोर या आपके स्पॉन्सर या टीचर ने आपको कुछ तो ऐसा मतलब अचीव करने के लिए आपको एक क्या बोलते हैं वहाँ पर होमवर्क बोलो, या अचीव करने के लिए कुछ तो टास्क बोलो। तो समझो आपको दिस ईयर आपको हिमाचल जो अपना हिमालय है ट्रैकिंग, वहाँ पे आपको जाना है, तो ऐसा आपको उन्होंने टास्क दिया, तो उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं,
ओके, हिमालयन कैसा जाना है, ट्रैकिंग कैसा रहता है, उनको कौन से कपड़े लगते हैं, कौन से शूज़ लगते हैं, कैसा जाना पड़ता है, बुकिंग कैसा करना है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, सिर्फ लिख के रखे हैं तो दिस ईयर हमको हिमालय ट्रैकिंग को जाना है। तो ये हो गया सिर्फ प्लानिंग आपका। तो जो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, एक्शन प्लान, एक्शन प्लानिंग, ओके, जिसमें सिर्फ एक्टिव नहीं रहना है, प्रोएक्टिव रहना है। जैसे कि हिमालय को ट्रैकिंग को जाना है तो उसके बारे में हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं जो कि बिफोर 6 मंथ। तो वहाँ पे बुक टिकट करवाते हैं, वहाँ पे जो क्लॉथ लगते हैं, जिस मतलब जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, जो भी स्केटिंग के जो मतलब सामग्री लगता है वो लेते हैं हम, इस सभी चीज़ें के बारे में हम एक एक्शन प्लान रेडी करते हैं और जाने के लिए हम रेडी रहते हैं। तो ये होता है, ऐसा ही मतलब बहुत सारे उदाहरण होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि सिर्फ हम प्लानिंग किए होते हैं लेकिन उसके बारे में एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। यहीं एग्जैक्ट आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, बहुत सारे लोगों के पास काबिलियत है, बहुत सारे लोगों के पास मतलब क्षमता है आगे जाने की, कुछ करने की, लेकिन वो लोग खुद को पहचान नहीं पाते हैं, ओके, खुद का जो एबिलिटी है वो समझ के नहीं लेते हैं। बहुत सारा कुछ वो कर सकते हैं लेकिन इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं रहता है। तो एग्जैक्ट आज वहीं हम बात करने वाले हैं कि खुद पर विश्वास करना है, खुद पर बहुत सारा काम करना है, आगे बढ़ते जाना है, जो कि जो भी आपको करना है, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मेंटर स्पॉन्सर्स ने आपको बताया है, वो पेपर के ऊपर लिख के लेना है। पेपर के ऊपर लिखने के बाद वो सिर्फ प्लानिंग हो गया और उसके बाद आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारा आपको गतिविधियाँ करना बहुत ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारा वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलने वाला है। जो भी हम प्लानिंग करने वाले हैं वो एक्शन प्लानिंग में नहीं जाएगा, ओके, ये थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है, ओके। टास्क भी प्लानिंग में आता है, आप टास्क नहीं करोगे तो सिर्फ वो प्लान रह जाता है। मैं यहाँ पे लिख के लिया था, ओके, समझो टास्क मतलब क्या है। आपको कल के दिन, टुमारो, बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि आपको गैस कनेक्शन का आपको पैसे भरने हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल भरना है, ओके, तो आपको कुछ तो ख़रीदना है, स्टेशनरी लाना है, आपको बाज़ार लाना है, ओके, ऐसा बहुत सारे जो काम्स रहते हैं, बैंक में जाना है, पासपोर्ट निकालना है, तो कल के इम्पोर्टेंट ये सर वर्क हो गए, ये टास्क में आता है। छोटी सी डायरी में लिख सकते हैं, मोबाइल के नोट्स में लिख सकते हैं। तो सिर्फ हमने ये लिख के लिया है लेकिन सेकंड डे को हम देखा ही नहीं है। तो सिर्फ आपने प्लान किया, आप सिर्फ ने टास्क लिख के लिया है लेकिन उसके ऊपर आपने कुछ एक्शन ही नहीं लिया है, तो वो लिख कर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जो भी टुमारो को जो भी आपने मतलब आपके वर्किंग शेड्यूल में जो भी आपने तय किया था, प्लानिंग किया था, उसके सब पानी फेर जाएगा। तो ऐसा ही है, ओके, ऐसा ही है, जब हम प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेते तो वहाँ पे अपने हाथ में कुछ सक्सेस नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं बचता है वो नैराश्य और अनसक्सेसफुल की घड़िया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा खुद को पहचानना है, खुद को प्रूव करना है, खुद को प्रोएक्टिव रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट हमारे सभी वेलनेस कोच न्यूट्रिशंस क्लब में जो भी गतिविधियाँ होते हैं, न्यूट्रिशंस क्लब में जो भी काम करते हैं, वो सभी लोग प्रोएक्टिव होते हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पे गतिविधियाँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ इवेंट्स चालू रहते हैं जिसके बारे में प्लान करते हैं और उसके बाद एक्शन प्लानिंग शुरू होता है, ओके। हमारे सारे मतलब जो जो सिटी में जो हमारे जो वेलनेस कोचेस बैठे हैं, बहुत सारे लोग मतलब सक्सेसफुल उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसका नतीजा एक ही है, इसके पीछे सक्सेसफुल का जो रहस्य एक ही है, वो है एक्शन प्लान। प्लान के साथ आप काम करो, आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक हैप्पीनेस मिलेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ प्लान कर देते हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आप इसके बारे में मतलब खुद प्रैक्टिकल तौर पर एक्शन मतलब एक्सपीरियंस ले सकती है, समझिए। आपको टुमारो, अभी तो लॉकडाउन है, हम सभी घर में हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारे लोगों के पास काम होगा जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज आप लिख सकते हैं कि जो भी दो महीने में मेरे पेंडिंग वर्क्स पड़े हैं, ओके, बाहर के जो काम्स है, बैंक हुए, एयरवेज है, पासपोर्ट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, गैस कनेक्शन रहेगा, एजुकेशनल रहेगा, कौन से भी रहने दो, प्रॉपर्टीज़, तो इसके बारे में आप भी टास्क लिख सकते हैं। तो आप देखिए कितने उस पर एक्शन लेते हैं,
ये सभी प्लानिंग में आ गया, टास्क में आ गया, ओके। तो हम उस पर जितने एक्शन लेते हैं वो सब आपके काम निपटने वाले हैं, सभी काम आपके ख़त्म होने वाले हैं और आप एक मतलब क्या बोलते हो स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेसफुल व्यक्ति बनने वाले हो। आपको कुछ भी स्ट्रेस नहीं आएगा ज़्यादा वहाँ पे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सब जो काम पेंडिंग है वो फटाफट हो जाते हैं। तो ये करना बहुत ही ज़रूरत है, ओके। अलग अलग टाइप में प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग प्लानिंग मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे एक एजुकेशन था हमारा, मतलब हमारा एक वेलनेस कोच है श्रीकांत महेकर करके, कलबुर्गी से वो फिट वेलनेस कोच है, उन्होंने एक्शन प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे बताया था। तो एक्शन प्लानिंग के बारे में क्या बताया था कि वहाँ पे शॉर्ट टाइम में आप एक एक्शन प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मिड टाइम में एक एक्शन प्लान कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में एक एक्शन प्लान कर सकते हैं। एक टोटल वन ईयर का, मंथ का, जो भी है आप वहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, उस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो तीन 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 महीने का आपका प्लानिंग कर सकते हो और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, मतलब बहुत ही वहाँ पे आपको इजी होगा वो हासिल करने में, बहुत ही मतलब क्या बोलते हो उसे, वेल मतलब टोटल इजी हो जाएगा जो अचीव करने के लिए। तो बहुत सारा वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा ये मुझे कहना था, ओके। तो बहुत सारे दिक्कतें भी वहाँ पे नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी वो हासिल करने में जो भी आपने प्लान किया है उसके बारे में, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे वेलनेस कोचेस है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग सुपरवाइजर्स है जो हमेशा यहाँ पे टीचिंग करते रहते हैं, ओके। हमारा जो सेशन रहते हैं वहाँ पे मास्टरिंग करते रहते हैं, उनका वहाँ पे सेशन बहुत अच्छा, सभी लोग बताते हैं वहाँ पे बहुत सारे, मतलब उनके बारे में कहना, जैसे एक सेशन उन पर भी यहाँ पे FB लाइव पर मैं रखूँगा, ओके। उन लोगों ने जो भी यहाँ पे उन्होंने अनुभव व्यक्त किया है, ये सारा अनुभव यहाँ पे आपके साथ एक दिन मैं शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग डिज़ायर के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग बर्निंग डिज़ायर के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग गोल सेटिंग के बारे में बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात चुके हैं, मतलब अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे। उसके बारे में हमारे यहाँ पे प्लानिंग एंड एक्शन प्लानिंग के साथ जो एजुकेशन डेली यू फ्री डे हमारा जो सेशन चालू रहता है, जहाँ हमारे सभी वेलनेस कोचेस वहाँ पे 50 प्लस लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो अलग अलग सिटी से, छोटे छोटे गांव से वहाँ पे जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो इन टाइप में हम एक्शन प्लानिंग करते हैं तो हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आते हैं, ओके। सूटेबल होगा, बहुत इजी होगा जो भी प्लानिंग किया आपने वो अचीव करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट, बिजनेस, एजुकेशन, एक प्लान आपके पास रेडी होगा तो बहुत कुछ आपने अचीव किया है ऐसा समझ लेना। बाद में आपको उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है जो कि आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आप मतलब बिजनेस शुरू करने वाले हैं, प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, एजुकेशनल मतलब जो भी कर रहे हैं आप, कौन सा भी काम करने दो, उसके बारे में आपको पहले प्लानिंग करना है, बहुत सारा प्लान। समझे, अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भी मतलब बिजनेस में हूँ, लोगों को उनका फिट जो भी उनका क्या बोलते हैं उसे गोल है वो अचीव करने के लिए मैं हेल्प करता हूँ, उनका हेल्दी एक्चुअल लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए काम करता हूँ। तो इसके बारे में मेरे पास एक्शन जो इसके बारे में पहले मेरे पास प्लानिंग रेडी रहता है, ओके। रफ प्लानिंग मेरे पास रेडी रहता है, उसके बाद मैं उसके ऊपर एक्शन प्लानिंग लेना शुरू करता हूँ। तो उन लोगों को मतलब एक अच्छा इंटरेस्टिंग डाइट, उसके बाद एक्सरसाइज, उनके पास कैसा अप्रोच होना है, उनको कैसा सर्विसेज देना है, उनको कैसा मोटिवेट रखना है, उनको रिकग्निशन करना है, इसके बारे में सभी एक्शन प्लान लेना शुरू होता है। उनको बहुत सारे मतलब जो भी कैलरी मैनेजमेंट हो, अलग अलग विषय में हम उनको अवेयरनेस करते रहते हैं। तो ये होगा एक्शन प्लान। तो ऐसे आप जिस भी मतलब फील्ड में काम करते हो तो उसके पास आपके पास एक बिफोर आपके पास एक प्लानिंग रेडी रहना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर हम एक्शन लेने शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारा वहाँ पे सक्सेस मिलने वाला है। जो भी हम मतलब ठान लिया है वो इजी तरीके से होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बहुत सारा मतलब हमारा वहाँ पे जो वे है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। जब मैं
यहाँ पे लिखा था मैं, ओके जब मैं कौन से इवेंट्स में जाता हूँ, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर, ओके एक फिट वेलनेस कोचेस हूँ, इंटरनेशनल, नेशनल, आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एजुकेशनल रहते हैं, वीकली एजुकेशनल रहते हैं, डेली एजुकेशनल रहते हैं, ओके फ्री हर टाइम, हर डे, फ्री मिनट्स में कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, ओके तो एक साल का जो भी एजुकेशनल हमारे जो टूर्स है, इवेंट्स है, वो फिक्स रहते हैं अलग अलग जगहों पर, ओके आउट ऑफ इंडिया, इंडिया, इंटरनेशनली, अलग अलग गेस्ट स्पीकर्स, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ओके फिलोसोफर, तो सब तरीके से जो लोग रहते हैं, इन लोगों का मैं जब भी इवेंट्स अटेंड करता हूँ तो उस टाइम में मैं मेरा जो बुक होता है फ्रंट पेज पर लिखता हूँ, वो सिर्फ प्लानिंग में जाता है, मैं सिर्फ वहाँ पे सीखते रहता हूँ, लेकिन वो जो भी वहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, जो भी हमारे साथ ज्ञान बैठ रहा है, एजुकेशन हमको पढ़ा रहा है वहाँ पे, तो उसमें से कुछ भी मेरे मन में क्रिएटिव थिंकिंग आते हैं, कुछ भी नया करने का सोच आता है, तो बैक पेज में जाके वहाँ पे मैं एक्शन प्लानिंग लिख जाता हूँ, ओके तो एक उदाहरण आपके सामने रखा, जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं या हॉल में बैठे हैं, कुछ तो हम सीख रहे हैं, फर्स्ट पेज पर, फ्रंट पेज पर हम सिर्फ प्लानिंग के साथ लिखते रहते हैं, और उसके ऊपर जो भी हमको एक्शन लेना है वो एक्शन प्लानिंग बैक पेज पर लिखना है। ये काफ़ी मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ है, काफ़ी मतलब मुझे बहुत ही इसमें सक्सेस मिला है, तो आप ऐसा करके देखिए, आप विद्यार्थी हो, आप टीचर हो, आप कहीं पर नौकरी मतलब जॉब करते हो, एंटरप्रेनर हो, प्रोजेक्टर, कहीं पर आपके मीटिंग्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो ऐसे लोग आप कहीं पर भी कोई सिखा रहे और आपके पास बुक है, ओके आपके पास लैपटॉप है, आप कुछ भी वहाँ पे टाइप कर रहे हो, तो आपके पास एक एक्शन प्लान, उसके ऊपर एक समराइजिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसमें के क्या सीखा है और उस पे ऊपर आप क्या एक्शन लेने वाले हो, इस पर आपका जो आपने वहाँ पे जो भी एजुकेशन लिया है ये पूरा निर्भर करता है। तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, आप उस पर मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ भी आपको नहीं एजुकेट हुआ है, ऐसा वहाँ पे साइनिंग होता है। तो जो भी किसी का भी हम इवेंट सुन रहे हैं, एजुकेशनल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी पढ़ाया जाता है उस पर एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके तो मतलब जो भी फ्रंट पेज है वहाँ पे प्लानिंग होता है और बैक पेज पर एक्शन प्लानिंग होता है, इतना ही इस पॉइंट्स में आपको मुझे बताना है, ओके हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं तो उस पर हमारा जीवन का सक्सेस निर्भर होता है। आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आपके पास मतलब गोल आप करके रखे हैं लेकिन उसका कुछ प्लानिंग सेटिंग आपका अच्छा नहीं है, आप सक्सेसफुली नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है, ओके हम उस सक्सेस राह पर मतलब हम ज़्यादातर नहीं पाएंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। एक आप कुछ ने गोल रखा है आपने, ओके कुछ हासिल करने की आपने वहाँ पे मतलब आपने प्लानिंग किया है, उस पर आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं, क्या हासिल हो रहा है और क्या नहीं है, ओके तो ये सिर्फ प्लानिंग हो गया है जिसमें आपका मतलब क्या एक्शन लेने वाले हो, कब मुझे क्या हासिल करना है, कौन से टाइम में करना है, इतने टाइम में करना है, ओके बार बार उसके पीछे आपको मतलब वो हुआ है कि नहीं हुआ है देखना, मतलब ये हो गया एक्शन, तो कंटिन्यू आपको वहाँ पे एक्शन लेना होगा, जो भी आपने मन में ठान लिया है, लक्ष्य रखा है, ये बहुत ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा हासिल वहाँ पे नहीं होगा। हम जो भी प्लान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं करते तो उसमें फेल हो जाते हैं। समझो मैं मतलब मुझे क्या मतलब मैं एक समझो मुझे अभी साउथ अफ्रीका जाना है, ओके ऐसा ही प्लानिंग रखते हैं इवेंट्स, अगले साल 2021-22 में मुझे साउथ अफ्रीका जाना है, तो मुझे साउथ अफ्रीका जाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे क्या मतलब वहाँ पे काम करना होगा खुद पर, मुझे क्या ट्राई करना होगा, मुझे क्या हासिल करना होगा, मुझे मेरा लेवल क्या होना चाहिए, ओके तो मुझे जानकारी कहाँ से लेना होगा, तो इसके बारे में मुझे वहाँ पे स्टडी करना होगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ मुझे एजुकेशन लेना होगा, जो भी वहाँ पे क्राइटेरिया रखा है उस क्राइटेरिया के बारे में मुझे जानना होगा, ओके तो सिर्फ मैंने मेरे बुक में लिख के रखा है साउथ अफ्रीका जाना है, तो उसके बारे में मैं कुछ भी मतलब मैं हलचल नहीं कर रहा हूँ, ट्राई नहीं कर रहा हूँ,
ओके, हासिल करने की मैं मतलब मेहनत नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसा ही वो साउथ अफ्रीका नहीं मिलने वाला है। ये एग्जाम्पल के सौर के साथ आपके साथ रख रहा हूँ। ऐसा कौन सा भी बहुत सारे लोगों ने मतलब उनके मन में लक्ष्य लगा रहता है, ओके आपको ऑफिसर होना है, ओके बहुत सारे लोगों को IAS होना रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग मतलब वहाँ के लक्ष्य रहते हैं निर्धारित, वो पाने के लिए आपके पास मतलब आप अच्छा तरह से उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो उसमें फेल हो जाते हैं। यहाँ पे और एक मैं लिख के रखा हूँ, भूतकाल में जो भी घड़ा हुआ है, भूतकाल में जो भी हुआ है, ओके आप मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, ओके भूतकाल में ऐसा कुछ तो आपके साथ मतलब आपके हाथ से कुछ तो बुरा हुआ है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचते बैठने नहीं है, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं डालना है, ओके आप प्रेजेंट में हैं, वर्तमान काल में हैं, ओके वर्तमान काल के साथ आपको मतलब जो भी आपको लिख के लेना है क्या क्या हासिल करना है, एक्शन कार्रवाई शुरू करना है, और फ्यूचर में आपको एक्शन प्लानिंग करना है, ओके आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट जो है उसको भुलाकर आपको आगे जाना है, ओके आपको रिपीट जो भी मिस्टेक किया है पास्ट में भूतकाल में वो आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं करना है, ये ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके भी एक प्लानिंग आपके रहना चाहिए, एक्शन प्लानिंग आपके साथ रहना चाहिए, जो भी आपने मतलब गलत किया है उसको रिपीट नहीं करना है। तो ऑलवेज हमारे पास प्लानिंग रेडी रहना चाहिए, हम मतलब जो भी करना चाहते हैं तो प्लानिंग करना ही चाहिए, जो भी आप मतलब छोटा बिजनेस हो, एजुकेशनल हो, आपको एक्सरसाइज शुरू करना है, आपको फिटनेस गोल अचीव करना है, ओके आपको मतलब आपको कुछ तो मतलब साइंटिस्ट होना है, रिसर्च करना है, कुछ भी करना हो, किसी क्षेत्र में कुछ भी आपको करना हो, किसी क्षेत्र में आप हो, तो फर्स्ट आपको प्लानिंग करना वहाँ पर, ओके तो प्लानिंग करके उसके बारे में आपको एक्शंस लेना शुरू करना है। जब ऐसा करेंगे तो बहुत सारा वहाँ पे आपका जो भी काम है वो इजी हो जाएगा, एक अच्छा वहाँ पे आप हासिल कर पाओगे, बहुत सारा दिक्कतें नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, वो हासिल करने के लिए बहुत ही ईजी होगा वहाँ पर। तो हम कुछ भी मन में करना चाहते तो वो प्लानिंग के साथ किया तो वहाँ पे इंटरनली हम स्ट्रांग होते हैं। समझो हम एक कौन सा तो एक प्लानिंग करना है, हमें लक्ष्य है, गोल है आपका, वो हमारे मन में आया है, ओके तो उसको हम जितना एक्शन लेते हैं उतना हम इंटरनली मतलब अच्छा वाला प्लानिंग हमारे पास है, कुछ तो हासिल करने की हम चाह रखते हैं, ओके तो हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं। हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाले हैं। हमारे पास एक अच्छा प्लानिंग, बहुत सारे लोगों का राय लिया होगा, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लिया होगा, बहुत सारे लोगों के पास हमने फॉलो करके उनके साथ से जो अनुभव लिया है वो आप प्लानिंग में डालेंगे, अच्छा प्लानिंग करेंगे, स्ट्रक्चरल प्लानिंग करेंगे, एक अच्छा प्लानिंग करेंगे, तो बहुत कुछ आपके मतलब हासिल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आज के सेशन में इतना ही आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, जो भी मैं अनुभव लिया हूँ, जो भी प्रैक्टिकल तौर पर मेरे बुक्स में लिखे हुए हैं, आज तक जो भी मैंने इवेंट्स किया है, ओके जो भी एजुकेशनल लिया हूँ मैंने, ये सभी मेरे बुक्स में है, जो भी मैंने मतलब रीड कर चुका हूँ, सुना हूँ, तो आपके साथ तो मैं यहाँ पे शेयर किया है। तो बिल्कुल आप, मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका मतलब आपके काम में जो भी प्लानिंग किया आपने वो एक्शन प्लान के साथ शुरू करेंगे, और आपको ये जो सेशन है आपको हेल्पफुल होगा, आप अच्छा इसका यूज़ करना शुरू करेंगे, ओके तो बहुत ही काफ़ी आपको ये सपोर्ट होगा, ऐसा मैं यहाँ पे आशा करता हूँ। ओके आप सभी लोग यूज करना शुरू कीजिए, सिर्फ टास्क और जो प्लानिंग है मत कीजिए, एक्शन लेना भी शुरू कीजिए, सिर्फ एक्टिव नहीं बनना है, प्रोएक्टिव बनना है, किसी भी काम में आगे रहना है, जब तक वो काम हासिल नहीं होता तब तक उस पर काम करते रहना है, ओके बहुत कुछ आपको हासिल करना है, ऐसा चाह रखना है। कभी भी आप मतलब इनर्जेटिक रहिए, एक्साइटमेंट के साथ काम कीजिए, जो भी आपको काम करना है उसमें 100% इन्वॉल्व होकर काम कीजिए, बहुत अच्छा उसमें सक्सेस मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट्स कीजिए,
ओके आप लिखिए आपको मतलब ये सेशन कैसा लगा। ओके ये सेशन आपके मतलब आपके फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आपके साथ आऊँगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके साथ रखने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। ओके एंड थैंक यू सो मच। जैसे कि रोज़ बोलता हूँ, अभी भी घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल आपको कड़ी तरह से पालन करना है, एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशंस लेना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, सेफ रहना है, डिस्टेंस रखना है। ओके खुद का अच्छा ख्याल रखिए, बहुत स्ट्रांग बनाइए, पावरफुल बनाइए। ओके और हमारे सभी वेलनेस कोचेस, हमारे सभी फिट वेलनेस कोचेस अलग अलग सिटी में आपके हेल्प करने के लिए रेडी है। एंड थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपके साथ अलग विषय लेके मतलब अच्छा सब्जेक्ट लेके आपके साथ हाजिर रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सी यू सून।